दोस्तों भारत ने सुपर ओवर में जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आज खेला गया पहला T20 मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया टीम को याद दिला दी उसकी औकात। जी हाँ दोस्तों, सुपर ओवर में सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस के कूट डाले 50 रन। जी हाँ दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बात करें पहले टॉस से, तो टॉस जीता भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर ओपनिंग में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श। तो वहीं दोस्तों भारत की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला बूम बूम जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और पावर प्ले में ही कूद डाले 100 रन। जी हां दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को भरता बना दिया और किसी भी गेंद को बख्शा नहीं। इसके बाद भी दोस्तों डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने भारतीय गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और आक्रामक बैटिंग करते रहे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में डेविड वार्नर के 96 रन और मिचेल मार्श के 87 रनों की बदौलत 249 रन कूद डाले। दोस्तों भारत की तरफ से कोई भी गेंदबाज अपनी छाप नहीं छोड़ सका। दोस्तों 250 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की तरफ से विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी भारत को विस्फोटक शुरुआत दिलाई और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का भूत बनाते हुए 10 ओवर में ही 150 रन कूद डाले, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपना अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए भारत के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों भारत को आखिरी के 5 ओवर में जीतने के लिए 90 रन बनाने थे। वहीं क्रीज पर मौजूद थे मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को सांप की तरह कुचलते हुए 5 ओवर में 89 रन जड़ दिए और मुकाबले को टाई करवा दिया। जिसके बाद दोस्तों सुपर ओवर खेला गया जिसमें भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। दोस्तों भारत की तरफ से सुपर ओवर में बैटिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने पैट कमिंस की 6 गेंदों पर 50 रन कूद डाले। दोस्तों 2 गेंद 9 बॉल थी। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम सुपर ओवर में 11 रन ही बना सका और इस तरह भारत ने सुपर ओवर में जीत लिया पहला T20 मुकाबला।